नेक्स्ट, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज क्लियर जी आ रही है और जी समझ लग ठीक है. नेक्स्ट थ्योरम इज एनी सीक्वेंस एक्स के ऑफ नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब हम शो करेंगे कि कोई सीक्वेंस है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस वी में, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी. इसके प्रूफ में हम ये शो कर देंगे, इट इज इनफ टू शो दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर एन द सेट एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स एन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट फॉर स्केलर्स ए वन ए टू अप टू सोन ए एन, समेशन आई इज इक्वल टू एन वन टू एन ए आई एक्स आई इज इक्वल टू जीरो. अब अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि फॉर ऑल ए आईज, सारे ए आईज हमारे पास जीरो होंगे. इसको हम प्रूव कर देते हैं. देन फॉर एनी जे इज इक्वल टू वन अप टू सोन एन, जे इज नॉट इक्वल टू आई. अब जीरो को हम इस तरह लिख सकते हैं, जीरो कॉमा एक्स जे इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो. और जीरो को हम रिप्लेस कर सकते हैं समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन ए आई एक्स आई से. और क्योंकि ए आई हमारे पास स्केलर है, उसको हम बाहर ले आएंगे, समेशन को भी बाहर ले आएंगे. और हमें पता है कि समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई कोमा एक्स जे का इनर प्रोडक्ट को हमने लिख दिया नॉर्म एक्स जे का स्केयर, और स्केलर वैसे ही बाहर आ गए ए जे इज इक्वल टू जीरो. अब एक्स जे हमारे पास वेक्टर्स हैं और ए जे हमारे पास स्केलर्स हैं. सिंस एक्स जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो ए जे इज इक्वल टू जीरो फॉर जे इज वन अप टू सोन एन. तो हमारे पास ए जे जीरो हो जाएंगे, हेंस एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया. नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज सपोज दैट अ नॉन जीरो वैक्टर एक्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज ऑर्थोगोनल टू द नॉन जीरो वैक्टर्स एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स एन ऑफ वी. देन एक्स इज ऑर्थोगोनल टू एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स आई. सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर एक्स है, वो ऑर्थोगोनल है नॉन जीरो वेक्टर्स एक्स वन अप टू सोन एक्स एन के. देन जो हमारे पास एक्स है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के भी ऑर्थोगोनल होगा. तो हम ये प्रूफ करेंगे. सबसे पहले जो उसने बात की, हम उसको मैथमेटिकली लिखेंगे कि लेट एक्स कोमा एक्स आई का इनर प्रोडक्ट जीरो है फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन अप टू सोन एन. देन इनर प्रोडक्ट समेशन ए आई एक्स आई कोमा एक्स इज इक्वल टू ए आई, हम लोग स्केलर से बाहर ले आएंगे, एक्स आई कोमा एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. और अब हम यहाँ से नज़र आ रहा है कि उसका इनर प्रोडक्ट जीरो हो गया है, तो एक्स जो है वो ऑर्थोगोनल आ गया है समेशन ए आई एक्स आई के. ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम. अ सेट एक्स ए सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू मेगा ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज सेट टू बी ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा कोमा एक्स बीटा इज इक्वल टू डेल्टा अल्फा बीटा सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू ओमेगा वेयर डेल्टा अल्फा बीटा इज द क्रोनेकर डेल्टा. दस एक्स अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा इज एन ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स अल्फा कोमा एक्स बीटा इज इक्वल टू जीरो फॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा. जब अल्फा बीटा के इक्वल नहीं होगा तो इनका इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू ओमेगा. एंड व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो उसको हम एक्स अल्फा उसको लिख सकते हैं इन उसके इनर प्रोडक्ट को नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स अल्फा विच इज इक्वल टू वन. ठीक है, ये हम लोगों ने क्रोनेकर डेल्टा डिफाइन किया है. If x alpha such that alpha belongs to omega is an orthonormal system, then for any alpha beta belongs to omega, norm of x alpha minus s beta is always equal to under root 2, sorry. Because x alpha minus f beta, x beta norm square is equal to, इसको हम लिख सकते हैं x alpha minus x beta, comma x alpha minus x beta का inner product, वो orthonormal है system हमारे पास. तो जब वो different होंगे, यानी x alpha और एक्स बीटा का इनर प्रोडक्ट आएगा तो वो जीरो हो जाएगा, और जो सिमिलर है उनका हमारे पास वन आ जाएगा. तो एक्स अल्फा कोमा एक्स अल्फा का इनर प्रोडक्ट भी वन आ गया, एक्स बीटा का इनर प्रोडक्ट भी वन आ गया, तो हमारे पास टू वैल्यू आ जाती है. ठीक है, तो नॉर्म एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा की वैल्यू ऑलवेज अंडर रूट टू होगी हमारे पास. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फॉर एनी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स एन, दी वैक्टर्स ई आई इज इक्वल टू एक्स आई ओवर एक्स आई का नॉर्म फॉर आई इज इक्वल टू वन टू अप टू सोन एन फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम. ये हमेशा हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनाएंगे. नेक्स्ट अप इज ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम. लेट एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स एन बी एनी काउंटेबल सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी,
then V contains a set E1, E2 up to so on EN such that the system defined by equation 2 is orthonormal. E1, E2 up to so on EN ka system orthonormal hoga. Or the spaces generated by X1, X2 up to so on XN and by E1, E2 up to so on EN are the same. Iska ab hum log proof dekh lete hain. Consider first the vector X1. We construct E1 by normalizing X1. Sabse pehle hum E1 construct karenge X1 ko normalize karke. Ye hum logon ne process padha hua hai. That is, we take E1 ko hum log X1 over X1 ka norm lenge. Clearly, the subspace generated by X1 and by E1 are identical. Next, we construct a vector E2. अब हम वेक्टर E2 बनाएंगे सिमिलर मेथड में कि वो V2 ओवर V2 का नॉर्म होगा और V2 को हम इस तरह डिफाइन कर देते हैं V2 इज इक्वल टू X2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ X2 कॉमा E1 E1 ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग V2 ओवर V2 का नॉर्म निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास E2 की वैल्यू 1 आ जाती है. एंड अब हम E2 और E1 का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 1 ओवर V2 का नॉर्म इनटू इनर प्रोडक्ट ऑफ X2 कॉमा E1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ X2 कॉमा E1. तो ये कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास ये 0 आ जाता है. मोर ओवर दी स्पेसेस जनरेटेड बाय E1 E2 एंड X1 X2 आर द सेम बिकॉज ईच पेयर बिलोंग्स टू द स्पेस जनरेटेड बाय द अदर पेयर. हर पेयर दूसरी पेयर जहाँ से जनरेट हो रहा है उस स्पेस को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अब हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट द एलिमेंट्स E1 E2 अप टू सोन EN माइनस 1 सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ द थ्योरम हैव ऑलरेडी बीन चूजन. वी कंस्ट्रक्ट EN एज फॉलोज. अब हम लोगों ने इस पैटर्न से जनरल EN को हम लोगों ने जनरेट कर लेना है. तो उससे उसके लिए हम लोग पहले VN लिखेंगे. उस वो किस तरह लिखेंगे, XN माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ XN कोमा E1 E1 माइनस XN कोमा E2 E2 अप टू सो ऑन XN कोमा EN माइनस 1 का इनर प्रोडक्ट और साथ EN माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. और इस प्रोसेस में हम EN को क्या लेते हैं कि EN इज इक्वल टू VN ओवर VN का नॉर्म. तो हमारे पास आ जाता है जो नॉर्म आता है EN का वो 1 आ जाता है फॉर आई इज नॉट इक्वल टू एन. देन वी टेक इनर प्रोडक्ट ऑफ EN कोमा E1 विच इज इक्वल टू XN कोमा E1 का इनर प्रोडक्ट माइनस XN कोमा E1 का इनर प्रोडक्ट ओवर VN का नॉर्म. वो हमारे पास 0 आ जाता है. जो ऊपर हमने प्रोसेस किया उसको जनरलाइज किया यूजिंग द फैक्ट दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ EI कोमा EJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल IJ IJ is equal to 1 to up to so on n minus 1 I is not equal to j. इनका इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ जाता है. ऑल्सो XN belongs to the space generated by E1 E2 up to so on EN while E1 E2 up to so on EN are in the space spanned by X1 X2 up to so on XN. वही बात जो ऊपर की थी कि वो जिस स्पेस से वो दूसरी जनरेट हो रही है उसी से ही वो बिलोंग कर रहा है. ठीक है, सो बाय इंडक्शन वी हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट. इंडक्शन से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है. सबसे पहले हमने प्रूफ कर दिया सिस्टम इनटू इज ऑर्थो नॉर्मल और उसके बाद के द स्पेसेस जनरेटेड बाय X1 X2 एंड बाय E1 E2 आर द सेम. कोई प्रॉब्लम हो इस थ्योरम में? इस थ्योरम से पहले ना आपने एक टर्म यूज की थी ओमेगा और क्रोनिकल डेल्टा. क्रोनिकल डेल्टा का क्वेश्चन किसी सेकंड स्टूडेंट ने पूछा तो मैंने पहले पूछा कि वो ना ओमेगा को आप क्या ले रहे हैं कि एक फील्ड या कोई भी आर्बिट्रेरी सेट. कोई भी आर्बिट्रेरी सेट आई गेस. ओके थैंक यू. नेक्स्ट अप इज थ्योरम. लेट E1 E2 अप टू सोन EN बी एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V. Let X be an arbitrary element of V, then for any scalars A1, A2 up to so on AN, the expression norm X minus summation I is equal to 1 to N, AK, EK norm ka square assumes its minimum value for AK is equal to CK, which is equal to X, EK, such that K is equal to 1 to up to so on N. This minimum value equals X norm ka square minus summation K is equal to 1 to N, CK mod ka square. Also, summation k is equal to 1 to n, c k mod ka square is less than equal to norm, x norm ka whole square. This is called Bessel's inequality. अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं. सबसे पहले हम लोग लेंगे टेक सम s n is equal to summation k is equal to 1 to n, a k, e k. Then using the orthonormality of E1, E2 up to so on, EN we have. अब हम लोग norm ले लेंगे x minus s n के norm का square. ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ऑलवेज. इसके अब हम लोग वैल्यू पुट कर दें एस एन की तो वो हमारे पास हम इसको नॉर्म को इनर प्रोडक्ट स्पेस की फॉर्म में लिखेंगे समेशन एक्स एन
एक्स माइनस एस एन नॉर्म का सेट इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स माइनस समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन ए आई आई कॉमा एक्स माइनस समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन ए के ई के। अब हम लोगों ने इसका इनर प्रोडक्ट खोल दिया है तो हमारे पास आएगा एक्स नॉर्म का स्केयर माइनस समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन ए आई ई आई कॉमा एक्स माइनस समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन ए के बार एक्स कॉमा ई के प्लस समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन ए आई ए के बार ई आई ई के। अब हमारे पास ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई, सेकंड टर्म में जो टर्म थी ना ई आई कॉमा एक्स उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया सी आई बाहर से, और थर्ड टर्म में एक्स कॉमा ई के वाली टर्म को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सी के से। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई एक्स नॉर्म का स्केयर माइनस समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन ए आई सी आई बार माइनस समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन ए के बार सी के प्लस समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन ए के मॉड का स्केयर। अब हम लोग इसमें अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन मॉड सी के का स्केयर, तो हम इसको इक्वेशन सिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं सच दैट एक्स नॉर्म का स्केयर माइनस समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन सी के मॉड का स्केयर प्लस समेशन ए के माइनस सी के का स्केयर। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये अपनी मिनिमम वैल्यू तब देगा जब हमारे पास ये जो स्केयर वाली टर्म है यहाँ पे जीरो हो जाए। द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ सिक्स ऑब्वियसली अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन मोड ए के माइनस सी के का स्केयर इज इक्वल टू जीरो। दैट इज हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ए के इज इक्वल टू सी के, और पीछे हमने ज्यूम किया था कि ये है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा ई के। दिस मिनिमम इज देन गिवन बाय एक्स माइनस एस एन के नॉर्म का स्केयर। हमारे पास फिर बाकी इक्वेशन सिक्स में से ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा तो रह जाएगा एक्स नॉर्म का स्केयर माइनस समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन सी के का स्केयर। सो दैट यहाँ से हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन मोड सी के का स्केयर इज लेस देन इक्वल टू एक्स के नॉर्म का स्केयर फॉर एनी आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर एन। हेंस दी सी डी समेशन के इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी के का स्केयर इज कन्वर्जेंट एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट सच दैट समेशन के इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी के मॉड का स्केयर इज लेस देन इक्वल टू एक्स के नॉर्म का स्केयर। इसमें कुछ पूछना हो क्लियर है? जी क्लियर है। नेक्स्ट मशीन विल प्रेजेंट। हाँ जी, कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा, यस सर। अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज ठीक है, पहले इको हो रहा था। एक मिनट, यार चेंज करा।